alles haben sie. कमरीला की आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर, अब आ रही है आवाज आपकी। बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अब आ रही है। सर आपका नेट स्लो हो गया मेरा ख्याल। जी बेटा नेट स्लो हो गया आपका, इंटरनेट स्लो हो गया। नेट मेरा स्लो है बेटा यहाँ। अच्छा, अब पहली बात बेटा ये है, नेक्स्ट कि जब कोर्ट क्या कर देती है एडजुडिकेटेड अपॉन द राइवल क्लेम टू द प्रीएम्प्टर, प्रीएम्प्शन यानी कि क्या, जो जो आपने क्लेम किया ना, कोर्ट उस पर क्या कर देती है, अपना फैसला सुनाती है। समझ आ गई बेटा बात की? क्या सुनाती है? फैसला सुना देती है ना। अब इसमें दो ग्राउंड उसने किए हैं, ठीक है, किसमें भला? इसमें अगर वो फैसला सुनाती है कि क्लेम द डिक्रीड अमाउंट इज इक्वल इन डिक्री, अगर तो आपकी अमाउंट जो है, जो जो आपने क्लेम की है, जो आप कहते हो कि मेरा इतना शेयर बनता है, जितने भी आपके वो वॉलंटियर्स थे जिन्होंने जितने भी क्लेम किए हैं ना बेटा, वो कहते हैं कि हमारा जितना शेयर बनता है और वो इक्वल होते हैं। समझ आ गई बात की? तो फिर जितने भी शेयर होंगे ना, जितने भी वो क्लेम्स थे, वो क्या होगी, वो तमाम तमाम बराबर शेयर देगी कोर्ट। समझ आ गई? पहली अमाउंट क्या कह रहा हूँ, अगर आपने क्लेम डिग्रीड आर इक्वल ठीक एंड डिग्री, जो क्लेम आपके थे जो इस पर इशूज फ्रेम हुए और उसमें आपके शेयर जितने बनते थे बराबर बनते थे ना, तो फिर तो आप सबको बराबर बराबर तकसीम हो जाएगी। समझ आ गई बात की? नंबर टू, अगर आपके जो क्लेम है ना डिग्रीड आर डिफरेंट इन द डिग्री, जो आपके क्लेम कोर्ट में डिक्री किए हैं वो है डिफरेंट, तो याद रखिएगा फिर जो इन्फीरियर का हक होगा ना, जो इन्फीरियर होगा ठीक है, उसका हक उस टाइम तक पूरा नहीं किया जाएगा जब तक सुपीरियर का ना हो जाए। समझ आ गई बेटा बात की? अगर तो आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए ठीक है, डिग्री में जो डिग्री पास हो गई उसके उसमें क्या हो गया, आपकी अमाउंट जो थी वो इक्वल थी, इक्वल तो फिर तो बराबर हो गए। अगर आपकी जो क्लेम डिक्रीड आर डिफरेंट इन द डिक्री, तो फिर याद रखिएगा जो इन्फीरियर होगा ना आप में से, उसका राइट उस टाइम तक पूरा नहीं किया जाएगा जब तक उससे पहले वाले उससे सुपीरियर वाला का नहीं हो जाता। ये है आपका रूल 14, आर्डर 20, रूल 14। अब कोई बात बेटा आप रूल 14 के बारे में पूछिए तो पूछ लीजिए। If you have any question about the rule 14 of the order 20, then you are welcome. Or without any, आपने बेटा कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आया तो वो मैसेज में लिख दे, सर उसको अनम्यूट कर देंगे और वो क्वेश्चन अपना बता दे। आगे सबको अनम्यूट करते हैं तो सर शॉर्ट बहुत आता है। जी आप बेटा मैसेज करते हैं, मैं साथ साथ जवाब देता हूँ, ठीक है? मैसेज ऑप्शन आपके पास है, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं फिर इस एक क्वेश्चन की वजह से मैं हर किसी को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अब आगे चलो बेटा। इसके बाद बेटा आपका डिग्री इन द सूट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, समझ आ गई बात की? अगर आपका सूट है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या टेकिंग ऑफ द अकाउंट, तो इसमें साथ लिख लो आर्डर 26 रूल 11 एंड 12, यानी कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आर्डर 20 रूल 15, आर्डर 20 रूल 15, ठीक है? डिक्री इन द सूट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रीड विद द आर्डर 26 रूल 11 एंड रूल 12। समझ आ गई बेटा? इफ यू हैव अ फाइल एंड सूट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड टेकिंग ऑफ अकाउंट्स, तो याद रख लीजिएगा, अब जब आपका झगड़ा होगा किस चीज का, किसी अकाउंट का या किसी आपका पार्टनरशिप की रेजोल्यूशन का, समझ आ गई बेटा बात की? तो कोर्ट इसमें भी एक क्या करेगी, एक डिग्री पास करेगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोर्ट सही आपके अगर अकाउंट्स हैं उनका है वो लेन देन उस चीज को डिटरमिन करने के लिए जो आपके डिस्प्यूट है, तो कोर्ट पहले क्या करेगी, एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगी, ठीक है? उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, आपकी फाइनल डिग्री पास करेगी। मैंने पहले अगर आप जब ऑर्डर आपको इशू किया था तो मैंने कहा था बेटा इसमें तीन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होनी है, जजमेंट डिग्री एंड प्रीलिमिनरी डिग्री, ये डिग्री की किस्म थी, क्योंकि अब आगे आ रहा है एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21, यहाँ तक जजमेंट और डिग्री के बारे में उन्होंने सारी बातें बताई ऑर्डर 20 में,
ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट इसको आप डिग्री को एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाना है वो है 20 में, लेकिन आप डिग्री पास होने के हद तक वो हमें ये बता रहा है। मैंने जैसे आपको पहले तमाम एक चार्ट बना के आपको व्हाइट बोर्ड में दिखाया था, अगर आपको याद हो कि इन हालात में डिग्री ऐसे पास करनी है कोर्ट में, तो अभी तक हम वहीं पे हैं। तो अब रूल 16 में भी वो ये कहता है कि अगर आपका कोई है डिग्री फॉर द अकाउंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, अगर कोई झगड़ा था किसके दरमियान, किसी प्रिंसिपल या किसी आपका एजेंट के दरमियान, समझ आ गई बात की, वो कहता है जी मेरा इससे लेन देन है, मेरा कोई हिसाब किताब है, ठीक है, तो उस हिसाब किताब की हद तक याद रखिएगा कोर्ट बेटा क्या कर सकती है, प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है, समझ आ गई बात। फाइनल डिग्री अभी तक नहीं पास करेगी, अगर इफ कोर्ट स्टैंड फिट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रियल अमाउंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट द कोर्ट मे कंडक्ट एन इंक्वायरी, ठीक है, अब उस इंक्वायरी की बुनियाद पे, ठीक है, जब कोर्ट जो डिग्री पास करेगी वो प्रीलिमिनरी होगी, और जब उसकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी हर चीज का तयन हो जाएगा, यानी कि जो आपका लेन देन था, तो उसके बाद क्या करेगी कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री के पास उसी डिग्री को क्या कर देगी, फाइनल डिग्री पास कर देगी। समझ आ गई बात की सर? इन केस ऑफ पार्टनरशिप अगर अभी याद रखिएगा इसमें नेक्स्ट कहता है कि अगर तो इफ द डिस्प्यूट वाज रिगार्डिंग द अकाउंट्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, अगर यानी कि आपका लेन देन का झगड़ा था बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो फिर प्रीलिमिनरी डिग्री की जरूरत होगी, अदरवाइज इसमें जो नेक्स्ट वो बात कहता है कि अगर आपका अकाउंट्स का झगड़ा नहीं है, अगर आपका अकाउंट्स का झगड़ा नहीं है तो याद रखिएगा वहां पे प्रीलिमिनरी डिग्री की जरूरत नहीं है, वहां पे प्रीलिमिनरी डिग्री की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बेटा बात की? सर मेरी आवाज आ रही है? उसके बाद इसने रूल 17 के बारे में उसने लिख दिया है स्पेशल डायरेक्शन एज टू अकाउंट्स, तो मैं बता चुका हूँ कि वो क्या करेगी, कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकती है और आपकी जो डिग्री पास करेगी वो क्या होगी, प्रीलिमिनरी डिग्री होगी। इसमें बेटा जो दैट इज अगर आप आर्टिकल 20 रूल 18 के बारे में पढ़ोगे, जो आजकल हमारी प्रैक्टिस चल रही है, डिग्री इन द सूट फॉर द पार्टीशन एंड पोजेशन, पार्टीशन एंड पोजेशन, तो इसमें भी याद रखिएगा पहले तो आपने डिक्लेरेशन की डिग्री लेके आनी है ना कि आप इंटाइटल हो कि नहीं हो, आप मालिक हो या नहीं हो, आप अपने आप को मालिक डिक्लेयर करवाओ तो तब आप यू आर इंटाइटल टू टेक द पोजेशन फ्रॉम सच लैंड। तो इस मकसद के लिए भी कोर्ट अगर बेहतर समझती है कोर्ट थिंक्स फिट तो कोर्ट में पास द प्रीलिमिनरी डिग्री अंडर द आर्डर 20 रूल 18। समझ आ गई? इसमें नेक्स्ट जितने भी रूल्स है ना, समझ आ गई बेटा बात की? यानी कि अगर आपको सेट ऑफ अलाउ था, जो आपका सेट ऑफ बनता था, अगर आपको 8 रूल 13 याद है, ठीक है, आपका कोई सेट ऑफ था, आपने सेट ऑफ क्लेम किया, तो इसकी हद तक जो आपका सेट ऑफ होगा वो यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा, या सेट ऑफ को डिटरमिन की हद तक कोर्ट क्या कर सकती है, प्रीलिमिनरी डिग्री पास करके आपसे बात पूछ सकती है। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, इसके बाद जो भी डिग्री पास करेगी उसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो उसकी रूल 20 में, आर्टिकल 20 रूल 20 में कहता है हर किसी को प्रोवाइड करेगी। समझ आ गई बेटा बात की? और यहाँ पे जी अच्छा बेटा, मैं अभी हर किसी को कह रहा हूँ जी, अब हर कोई अपने आप को ना बेटा अनम्यूट करके ना मेरे से, जो आपने क्वेश्चन अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से हर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जी। सर जी मेरी आवाज आ रही है बेटा? मान भाई मान। हेलो सर सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है, अब आ रही। सर आपको सवाल ये है कि जब पार्टनरशिप में सर कोर्ट किसी रिसीवर को अपॉइंट करती है तो सर वो कौन सा ऑर्डर होता है, वो डिग्री होता है? क्या करती है बेटा? सर जब इन केस ऑफ पार्टनरशिप कोर्ट कोई भी रिसीवर अपॉइंट करती है या कोई लोकल कमीशन अपॉइंट करती है तो सर वो क्या ऑर्डर होता है कोर्ट का या डिग्री होती है? जी बेटा ऑर्डर होता है और वो इंक्वायरी की हद तक होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है बेटा, वो ऑर्डर होता है जी बेटा। शहजाद और ये सोनी इकट्ठे बैठे हैं। हाँ जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा शहजाद जी। सर सुनने लेक्चर जी बेटा, 6 मिनट और 31 सेकंड अब आपके पास क्वेश्चंस के लिए हैं। मेरे पास जो टाइम रिमेनिंग रह गया है ना जी, वो 6 जी जी सर। किसी को कोई क्वेश्चन है 20 के बारे में, यू हैव राइट टू आस्क मी।
सर ये दोनों मिलके करप्शन कर रहे हैं। सर जब भी कोई डिग्री हम मतलब अदालत से लेते हैं उससे पहले जजमेंट हमारे पास होगी तो डिग्री मिलेगी ना जी, ऑफ कोर्स। और सर ये जो भी आपने पढ़ाया 18 में कि मतलब पहले हमने डिक्लेरेशन लेनी है फिर उसके बाद सूट फॉर पार्टीशन है और प्रॉपर्टी, हाँ जी। तो सर जो हम पहले डिग्री ले रहे हैं डिक्लेरेशन के लिए, हाँ जी, क्या जजमेंट ले रहे हैं उसके अंदर ही हम अगर लिख देते हैं कि इसको पार्टीशन कर दी जाए तो लहदा सेपरेट डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय साहब मेरी बात सुनो, आप अगर आप इंटाइटल ही नहीं है, आप मालिक ही नहीं है, नहीं सर पहले इंटाइटलमेंट तो सर तब डिसाइड होगी ना जब कोर्ट अपनी जजमेंट देगी सर। जी मैं वही कह रहा हूँ, प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है कोर्ट उसकी हद तक, उस चीज को डिटरमाइन करने की हद तक अगर कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंच जाती है। अब देखो कोर्ट में अगर आपको पहले नतीजे की डिक्लेयर करना है, अब जो कोर्ट को बेहतर लगता है ना, कोर्ट या आपकी उसको पोजेशन का या किसी एक पहलू का जो है उसको क्या कर सकते हैं, डिग्री पास करेगी उसको क्या कहेंगे प्रीलिमिनरी डिग्री, दैट इज नॉट फाइनल। सर क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे ये है कि जो सर प्रीमली डिग्री कोर्ट पास करती है ये अपीलेबल होती है? हाँ जी, मैंने कहा जो कोर्ट सर प्रीमली डिग्री पास करती है ये क्या अपीलेबल होती है? जी बिल्कुल अपीलेबल होती है। और रिव्यू और रिवीजन हो सकता है सर इसमें ना? हाँ जी हाँ, रिव्यू भी हो सकता है, रिवीजन भी हो सकता है। सर ये ऑर्डर सेक्शन 114 और इनमें होगा ना कि इसका अलहदा जो इधर वो लिखा हुआ है 46 और वो 114 जो है ना राय साहब वो है रिव्यू, 100 जो आ गया है ना जी 114 है ना वो है रिव्यू, समझ आ गई। अगर आपकी जजमेंट होती है अल्लाह माफ करे, आप समझते हो कि जज साहब ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी लेकिन दैट दैट डज नॉट टच द मेरिट्स, जज साहब क्या कर गए खुद ही गलती कर गए, तो फिर हमने एक सेक्शन पढ़ा था गल्बन 154 अगर आपको याद हो तो, हां जी 152 सीपीसी वो पढ़ लीजिएगा इसके साथ जजमेंट के लिए 152 एंड 114 सही हो गया सर जी, सही हो गया जी। और जी लव यू सर, बोल दिया ना हमारे सर जूस पिएंगे, सोनू कह रहा है सर सोनू पूछ रहा है जूस पिएंगे, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह लाइव पिएंगे। अच्छा ये अब मैंने मान लिया किसने भी मेरी इतनी अमाउंट, तो फिर जो वो अमाउंट होगी वो डिडक्ट हो जाएगी एज अ काउंटर क्लेम एज अ सेट ऑफ। ऑर्डर और डिग्री में क्या फर्क हुआ? ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर जो डिग्री होती है ना उस चीज को परफॉर्म करती है, समझ आ गई बात की, या ऑर्डर को या जो आपकी है इसको जजमेंट को, समझ आ गई बात की, समझ आइए बात की कि नहीं आई, फुलफिलमेंट फादिक जो डिग्री होती है, जो डिग्री होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जजमेंट और ऑर्डर के, ठीक है सर। ये जो सेट ऑफ का प्रिंसिपल है, हाँ जी, ये सिर्फ मॉनेटरी सूट में अप्लाई होता है, इससे आगे किसी और सूट में अप्लाई नहीं हो सकता सर। क्या कह रहे हो, जो सेट ऑफ का प्रिंसिपल है सर, जो सेट ऑफ का प्रिंसिपल है ये सिर्फ मॉनेटरी सूट में अप्लाई होता है? नहीं किसी में भी हो सकता, देखो ना सेट ऑफ बेसिकली है क्या बेटा, पहले ये देखो ना, ठीक है जी जी सर। तो सेट ऑफ अगर आपका डिफेंडेंट कहता है कि जनाब इतनी अमाउंट मैंने भी से लेनी है, या बैंकर की कोई भी जो क्लेम उसका बनता है, समझ आ गई बेटा जी सर, तो फिर आपको डायरेक्ट जो उसके हद तक वो मांग लिया जाएगा। और जो प्रीलिमिनरी डिग्री होती है वो कितनी बार पास हो सकती है? हाँ जी एक ही दफा होगी मुर्शिद, एक दफा सर। हाँ मुझे जिंदाबाद, आज आपने भी क्या कहते हैं, उसके बाद उसके बाद वो फाइनल आ जाएगी जी, मुझे जी उसके बाद फाइनल आ जाएगी। नहीं सर जब भी कोई अदालत किसी चीज को डिटरमिन करना चाहती होगी सर, हाँ, तो लोकल इंस्पेक्शन या लोकल इंक्वायरी के अलावा भी तो सर वो कोई प्रीलिमिनरी डिग्री दोबारा पास कर सकती है जी, उसके इंक्वायरी के मुताबिक पास करेगी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, जी जी दो पूछें सर, अगर किसी
बिफोर द ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अगर किसी जैसा आपने प्रीलिमिनरी डिग्री पास की है, हाँ जी हाँ जी, अब अग्रीव पार्टी ने सर उसको चैलेंज कर दिया बिफोर द सुपीरियर कोर्ट, ठीक है, तो सर उस वक्त तक डिग्री नहीं ना पास हुई ट्रायल कोर्ट जब तक अपेलेट कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा फिर लोअर कोर्ट क्या करेगा, राइट। और ये सोनू कह रहा है आज बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आप, चलिए नहीं लास्ट मिनट है और मास्क उतारा हुआ लास्ट मिनट है, थैंक यू बदराम, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, ओके सर।